So hey guys, good morning, what's up, welcome back to another vlog. Today is 30th March and right now the time is 12 PM. मतलब मुझे आज थोड़ा निकलना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा अर्जेंट है, मतलब मुझे कुछ मेडिसिन लेने जा रहा है. सो दैट्स वाई मतलब इस हालात में मैं आज निकल रहा हूँ घर से. एंड ये मंडे के बाद एंड मतलब सीधा मंडे के बाद आज गाड़ी मतलब बाहर निकल रहा है. तो एज यू कैन सी थोड़ा गर्म हो जाए देन चलते हैं. एंड या बहुत सारा बात भी करना है आप लोगों के साथ. मतलब चलो यार जाते आते बताते हैं क्या क्या बात है. ओके बाय. फर्स्ट के सामने मुझे एटीएम जाना है और देन मुझे एक मेडिसिन लेने जाना है उसके लिए जो कि ख़त्म हो चुका है. एंड या अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था एंड ऑल दैट, ये सब मुझे पता है. लेकिन क्या करूँ, मेडिसिन भी चाहिए तो इसलिए. तो एज यू कैन सी यहाँ पर भी वेजिटेबल्स वगैरह यहाँ पर बैठ रहा है और बहुत सारी जगहों पे ऐसे गोल गोल मार्क हुआ है. एज यू कैन सी दैट, तो इसे मतलब ये देखो इस जगह पे. तो दिस इज द थिंग. तो सिंह कुछ ऐसा ही है फिलहाल. न्यूज चैनल एंड फेसबुक ये सब सोशल मीडिया में देख रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी तक मान नहीं रहे ये सब. सो यार प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू गाइस दैट प्लीज यार थोड़ा मान लो. 21 डेज और 1.5 महीना का बात है देन उसके बाद. So yeah, police announcing that. So चलो उसे उठा लिया और अभी मेडिसिन लेने के लिए जा रहा हूँ. एंड हाँ, जो बता रहा था कि मतलब बहुत सारे लोग ये बात मान नहीं रहे और सड़कों के ऊपर बाहर निकल के ऐसे घूम रहे हैं. तो यार थोड़ी दिन का बात है, मतलब 21 डेज पकड़ो या फिर 1 महीना 2 महीना जो भी है. तो ये सब थोड़े दिन की बात है. गवर्नमेंट जो बता रहा है आप लोग वो सुन के चलो. तो उससे हम लोगों का ही फायदा है. मतलब लास्ट जो बाहर निकला था मंडे ऑफिस से आने के बाद, सीधा आज मैं निकल रहा हूँ. तो इनफैक्ट आज भी मैं नहीं निकलने वाला था बट ये मुझे ये मेडिसिन लेना था, ज़रूरी है. सो दैट्स व्हाई तो मुझे निकलना पड़ा. तो एनीवे गाइस, तो फिलहाल चलो. मेडिसिन लेते हैं और सीधा घर चलते हैं. तो मैंने कहा चलो हाँ, इस बार ने एक छोटा सा ब्लॉग बना ही लेते, छोटा सा वीडियो शूट कर लेते हैं आप लोगों के लिए. एंड अभी हालात कैसे हैं ये आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं रस्तों का. मेडिसिन लेते हैं देन मिलते हैं. ये बता रहा था कि कुछ दिनों का बाद है यार आप लोग सब जो बता रहा है गवर्नमेंट जैसा जैसा तो वैसा करते जाओ. तो देन उसके बाद जितना बाहर निकलना है जितना घूमना है घूम लेना. तो अगर यार जिंदगी है तो पूरा जहान है घूमने के लिए, तो पूरा वक्त ही वक्त है ये सब खत्म हो जाने के बाद. तो
गया तो मेरा जो दवाई है वो मैं ले लिया एंड नाउ हेडिंग बैक टू माई होम एंड या तो पता नहीं मैं कब मतलब मैं या इतना दिन में घर में नहीं रह सकता लेकिन फिलहाल मुझे भी रहना पड़ रहा है ये सब चीज़ों के लिए और या बाहर का जो सुनेंगे तो आप लोग देख ही रहे हो बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो गेम से है एंड पुलिस जो है वो हम लोगों को बार बार समझा रहा है कि ये करो वो करो घर से बाहर निकला करो घर में ही रहो जितना मतलब ज़रूरत के बिना बाहर मत निकलो एंड ऑल तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताऊँगा नहीं आप लोगों को क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है इवन न्यूज चैनल लग रहा है एंड ऑल सब लोग दिखा रहा है तो मैं ज़्यादा बता के आप लोगों को बोर नहीं करने वाला हूँ और एक चीज़ मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर हम लोग स्टेज थ्री में चले गए और देन उस टाइम पे ये सब रोकना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा तो आप लोग वो तो देख ही रहे हो कि अमेरिका में क्या हो रहा है इटली में क्या हो रहा है ईजा तो आप लोगों को पता ही है मतलब हालात कितना खराब हो रहा है वहाँ उस जगह पे मतलब कितने लोग मर रहे हैं तो इनफैक्ट उन लोगों का जो फैमिली है तो उन लोगों को भी वो बॉडी टच करने के लिए भी मिल नहीं रहा है तो हालत बहुत बहुत ही ख़राब है यार तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू गाइस यार मान जाओ ओके तो स्टे सेफ स्टे एट होम नॉट एक चीज़ है मेरा जो ये लॉक है ये अभी भी जाम हो रहा है मतलब अभी जब मैं मेडिसिन लेने के बाद लॉक से अनलॉक कर रहा था तो अटक रहा था तो मुझे मतलब किसी लोकल जगह पे दिखाना पड़ेगा लोकल प्रॉपर जगह पे अगर 144 आ गया तो फिर देन मेरा घर से निकलना भी बंद हो जाएगा तो जितना हो सके यार घर में रहो दैट्स इट और सैनिटाइजर मास्क ये सब वगैरह यूज करते रहो एंड गर्मी जो है मतलब बहुत ज़्यादा पड़ चुका है एंड तो ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और फ़ायदा भी हो रहा है तो यू नो पोल्यूशन लेवल अभी बहुत ज़्यादा घट चुका है एंड हम लोग फैमिली के साथ अभी टाइम बिता रहे हैं एंड ऑल दैट और इकोनॉमी का तो यार बाढ़ लग चुका है पूरा चलो ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा तो धीरे धीरे सब कुछ ऑल ओके हो जाएगा एंड इन फैक्ट घर में जो मतलब टाइम में बिता रहा हूँ कैसे बिता रहा हूँ ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अभी घर जाके तो यू गाइस आर कमेंट डाउन बिलो तो आप लोग कैसे टाइम बिता रहे हो क्या क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट तो चलो घर चलते हैं सो हे गाइस आई एम बैक सो या जो बता रहा था सो घर बैठ के मैं क्या करता हूँ देखो यार नींद से उठने के बाद
ऑफिस का काम, मतलब ऑफिस का काम करने से पहले जो रेगुलर का काम है वो तो कर ही लेता हूँ, देन ऑफिस का काम करता हूँ, देन आफ्टर दैट लंच, देन दोस्तों के साथ पबजी खेलता हूँ, देन अगेन ऑफिस का मैं काम करता हूँ इवनिंग में बैठ के, एंड देन थोड़ा सा वर्कआउट, वर्कआउट करना भी ज़रूरी है बिकॉज यू नो अभी हम लोग घर में बैठे हुए हैं और खा रहे हैं घर का खाना, तो थोड़ा बहुत तो बॉडी का जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है, सो दैट्स वाई वर्कआउट ज़रूर, सो वर्कआउट करना ज़रूरी है, सो वर्कआउट करते हैं एटलीस्ट 1 आवर, देन आफ्टर दैट डिनर, देन उसके बाद रात को 2-3 बजे तक दोस्तों के साथ अगेन पबजी खेलता हूँ थोड़ा बहुत, देन सो जाता हूँ, तो ऐसे ही चल रहा है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड सो मतलब मैंने अभी तक मैंने शेप नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो 21 डेज का लॉकडाउन है तो इसमें थोड़ा बाल को थोड़ा और ग्रो होने देते हैं, देन आफ्टर दैट आफ्टर आई मीन 21 डेज ख़त्म होने के बाद शेप कर लेंगे, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, आई विल सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन स्टे सेफ, राइट सेफ, हैव फन एंड पीस आउट एंड हैव स्टे एट होम प्लीज, ओके बाय बाय, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।